इख्तिसार के साथ सवाल पेश करना है, क्योंकि प्रोग्राम जिस वक्त शुरू होता है उससे थोड़ा, क्योंकि आप माशाल्लाह अपने वक्त से यहाँ सब आज मौजूद हैं, क्योंकि सब जिन लोगों को यहाँ मेरा मुझे भी हाजिर होना था, हमारे चंदन साहब कबर सलीम साहब तशरीफ लाए, सभी की ट्रेनें तकरीबन लेट, अच्छी खासी लेट हुई, इसकी वजह से मेरा जितना वक्त इजाज़त देता है। और अभी सलीम भाई ने जनाब ज़ैनब का उनसे मजबूत करते हुए चार मिसरे पेश करता हूँ, और जहाँ जहाँ हजरात हैं, मेरा अभी जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम के एतबार से अब मुहर्रम गर्मी के मौसम की तरफ आ रहा है, इसी के लिए आपको आमादा रहना भी चाहिए, क्योंकि बने किसी अज़ा के लिए हैं और इसी के सबके में अल्लाह ने पैदा किया है। तो बहरहाल इस धूप का एहसास ना करें, सिर्फ इस वक्त ये सोचें कि हमें करबला के मकसद में शामिल होना है। पेश करता हूँ चार मिसरे जनाब ज़ैनब के हवाले से। एक सलावत पढ़ने बाबा से बुलंद, हमें अल्लाह ने हमारी किस्मत में फर्श अदा रखा, और जनाब ज़ैनब की अजमतों को सलाम करते हुए कि बाप के लहजे में जब बोली सरे दरबारे शाम, बाप के लहजे में जब बोली सरे दरबारे शाम, भाई का मकसद जमाने को बहन बतला गई, भाई का मकसद जमाने को, मिसरे मुलाहिज़ा कर लेंगे, भाई का मकसद जमाने को बहन बदला गई, और जुल्म ने रोका बहुत पर हजरत ज़ैनब के साथ, जुल्म ने रोका बहुत पर हजरत ज़ैनब के साथ, चलते चलते करबला फर्श अज़ा तक आ गई, चलते चलते करबला, जुल्म ने रोका बहुत पर हजरत ज़ैनब के साथ, चलते चलते करबला फर्श अज़ा तक आ गई, चलते चलते करबला फर्श अज़ा तक आ रहा। अभी धूप के हवाले से बात हो रही थी, धूप भी हमारे लिए एक बहुत एक अहम जिंदगी की जरूरत है और नेमत है। शेर सुनने के चलते चलते करबला फर्श अज़ा तक आ गई, और मिटता न कभी शाम गरीबा का अंधेरा, मिटता न कभी शाम गरीबा का अंधेरा, ये शाम वो है जिसका सवेरा नहीं होता, ये शाम वो है जिसका सवेरा नहीं होता, और अच्छा हुआ सूरज को दुआ दे गई ज़ैनब, अच्छा हुआ सूरज को दुआ दे गई ज़ैनब, वरना कभी दुनिया में उजाला नहीं होता, वरना कभी दुनिया में अच्छा हुआ सूरज को दुआ दे गई ज़ैनब, वरना कभी दुनिया में उजाला नहीं होता, वरना कभी दुनिया में उजाला नहीं होता, वरना कभी दुनिया में उजाला नहीं होता। देखिए ये बैरल मजबूत करना था, मैं चूंकि शोदाए करबला के ताबूत उनकी छवि बरामद होंगी, कोशिश ये करता हूँ उसी से मजबूत रहूँ। बहरहाल पेश करता हूँ जनाब मुस्लिम के हवाले से, यहाँ से आगाज करता हूँ, चार मिसरे मुलाहिज़ा करेंगे। अभी रखा यूं नुसरत शब्बीर का मेयार, मिसरे बहुत कीमती मिसरे पेश करता हूँ, रखा यूं नुसरत शब्बीर का मेयार मुस्लिम ने, बचाली खून देकर हुर्मत इनकार मुस्लिम ने, और हुसैन इब्ने अली की फतह का उन्वान लिख देना झिझोड़ा तालिबे बैत को पहली बार मुस्लिम ने, झिझोड़ा तालिबे बैत को हुसैन इब्ने अली की फतह का उन्वान लिख देना, झिझोड़ा तालिबे बैत को पहली बार मुस्लिम ने। और बंद पानी हो गया दरिया पर पहरे लग गए, बंद पानी हो गया दरिया पर पहरे लग गए, सब्र के आगे मगर जालिम ने मुंह की खाई है, सब्र के आगे मगर जालिम ने मुंह की खाई है, और प्यास की कुव्वत का अंदाजा लगा सकता है कौन। तारीख से आज सब हजरात वाकिफ है, शेर पेश करता हूँ कि प्यास की कुव्वत का, एक सलावत पढ़ते बाबा से बुलंद, सरकार है शमीबुल मिल्लत हमारे दरमियान आ रहे हैं, आप हजरात एक बुलंद आ रहे हैं सलवात से मौलाना का इस्तकबाल करें। एक सलवात और पढ़ने का आवाज़ें बुलंद, शब्बीर का मेयार मुस्लिम ने, बचाली खून देकर हुर्मत इनकार मुस्लिम ने, हुसैन इब्ने अली की फतह का उन्वान लिख देना, झिझोड़ा तालिबे बैत को पह...
पहली बार मुस्लिम ने झिझोड़ा तालीम गैत को, पहली बार मुस्लिम ने, और ये छोटा मिसाल मेरा जनाबे के हवाले से पेश करता हूँ कि झिझोड़ा तालीम गैत को पहली बार मुस्लिम ने, बंद पानी हो गया दरिया पर पहरे लग गए, सब्र के आगे मगर जालिम ने मुंह की खाई है, सब्र के आगे मगर जालिम ने मुंह की खाई है। और प्यास की कुवत का अंदाजा लगा सकता है कौन, प्यास की कुवत का अंदाजा लगा सकता है कौन, आला तश की एक सदा हुर को बचा कर लाई है, आला तश की एक सदा प्यास की कुवत का अंदाजा लगा सकता है कौन, आला तश की एक सदा हुर को बचा कर लाई है। सहरा का लाल दोनों जहां का इमाम है, कब्जे में जिसके कौनो मका का निजाम है, कब्जे में जिसके कौनो मका का निजाम है, नूरे सहर हुसैन है सदियों के बाद भी, नूरे सहर हुसैन है सदियों के बाद भी, लेकिन यजीद शाम की किस्मत में शाम है, लेकिन यजीद शाम की किस्मत में शाम है, शेर पेश करता हूँ, लेकिन यजीद शाम की किस्मत में शाम है। और ये है मेरे हुसैन का बख्शा हुआ शरफ, ये है मेरे हुसैन का बख्शा हुआ शरफ, हुर करबला के बाद अलैहि सलाम है, हुर करबला के बाद ये है मेरे। लेकिन ये नूरे सहर हुसैन है सदियों के बाद भी, लेकिन यजीद शाम की किस्मत में शाम है, ये है मेरे हुसैन का बख्शा हुआ शरफ, ये है मेरे हुसैन का बख्शा हुआ शरफ, हुर करबला के बाद अलैहि सलाम है, हुर करबला के बाद अलैहि सलाम है। और तेरा मैंने अभी ये आज किया था कि कोशिश ये करूंगा कि 72 शोदा से भी मरकूज रहे, जरा जब तक और बहुत मुख्तसर पेश करता हूँ यहाँ से कि हुर करबला के बाद अलैहि सलाम है, इस तरह लिखी वफादारों ने तहरीर वफा, इस तरह लिखी वफादारों ने तहरीर वफा, बन गया तहरीर का हर लफ्ज तब्दीर वफा, बन गया तहरीर का हर लफ्ज तब्दीर वफा, उनके आगे क्या है दुनियावी खजानों की मिसाल, एक एक नक्शे कदम हो जिनका जागीर वफा, एक एक नक्शे कदम हो शेख, एक एक नक्शे कदम हो जिनका जागीर वफा, और बा वफा अब्बास की दो माए दोनों फातिमा, एक तदबीर वफा है, अब्बास की दो माएं दोनों फातिमा, अब्बास की दो माएं दोनों फातिमा, एक तदबीर, एक तदबीर वफा है, एक तदबीर वफा। और रंग लाया खाक में मिलकर शहीदों का लहू, रंग लाया खाक में मिलकर शहीदों का लहू, दश्त में उभरी 72 बार तस्वीर वफा, दश्त में उभरी 72 बार, 72 बार। एक संवाद का सहारा देते हैं आखिर में, दश्त में उभरी 72 बार, दश्त जितना बहरहाल वक्त मुझसे बहरहाल हुक्म आए उससे पहले ही मैं बहरहाल इसको अपने सिलसिले को तमाम करता हूँ, शेर पेश कर, दश्त में उभरी 72 बार तस्वीर वफा, दश्त में उभरी 72 बार तस्वीर वफा। एक तीन चार शेर एक मतले के साथ बज़बाने जनाबे अली असगर पेश करना, उससे पहले बहरहाल मतला है पेश करता हूँ। और बहरहाल जहाँ तक है मेरा एक नाम छोटा सा नाम है उस इतबार से ऐसे शेर पेश करता हूँ कि मुझ पर मेरे माँ बाप का एहसान बड़ा है, मुझ पर मेरे माँ बाप का एहसान बड़ा है, मंसूब मेरे नाम को असगर से किया है, मंसूब मेरे नाम को असगर से किया। एक शेर मुझ जैसे तालिब इल्म की जानिब से आप तक बहरहाल तायीद हो जाए आपसे जनाब असगर के तारुफ में, आखिर में एक शेर और दो तीन शेर पहले मुलाहिजा कर ले कि असगर मंसूब मेरे नाम को असगर से किया है, और आता नहीं असगर से अभी घुटनियों चलना, आता नहीं असगर से अभी घुटनियों चलना, लेकिन ये शहादत की बुलंदी पे खड़ा है, लेकिन ये शहादत की बुलंदी पे खड़ा है। और असगर ने कहा फौजे सितमगार से हंसकर, मुझको तेरी औकात के बारे में पता है, मुझको तेरी औकात के बारे में पता है। देखिए
शाहजहाँ जो है वो खानदानी लोगों का विरसा है और खानदानी लोगों के हिस्से में आती है। शेर पेश करता हूँ कि मुझको तेरी औकात के बारे में पता है, किस तरह ये समझेगा मेरी जंग के अंदाज, किस तरह ये समझेगा मेरी जंग के अंदाज, जालिम तेरा लश्कर तो गुलामों से भरा है, जालिम तेरा लश्कर तो गुलामों से भरा है, और ये जंग के मैं अपने मुखालिफ को हरा दूं, ये फल मुझे अब्बास दिलावर से मिला है, ये फल मुझे अब एक सिर्फ एक शेर उससे पहले और उसके बाद इंशाल्लाह जो गुजारिश की थी उस शेर तक मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ। मुलायदा कर लेने मुझको तेरी औकात के बारे में पता है, बेजंग के मैं अपने मुखालिफ को हरा दूं, ये फल मुझे अब्बास दिलावर से मिला है, और शब्बीर को कितना है भरोसा मेरे ऊपर, शब्बीर को कितना है भरोसा मेरे ऊपर, फहरिस्ते शहादत में मेरा नाम लिखा है, फहरिस्ते शहादत में मेरा नाम लिखा है। आखिरी शेर उसके बाद इंशाल्लाह आइंदा जो भी सिफत और हमारे चंदन साहब और बिल्लाओ बाबा को समाप्त कीजिएगा, आखिरी शेर पेश करता हूँ इस गुजारिश के साथ के जितने बेटों का नाम है वो अली है। अब शेर पेश करता हूँ कि शब्बीर को कितना है भरोसा मेरे ऊपर, फहरिस्ते शहादत में मेरा नाम लिखा है, और हैदर का मैं पोता हूँ अली नाम है मेरा, इसा पेश करता हूँ हैदर का मैं पोता हूँ अली नाम है मेरा, असगर तो मुझे प्यार में सुगरा ने कहा है, असगर तो मुझे प्यार में हैदर का मैं पोता हूँ अली नाम है मेरा, असगर तो मुझे अली नाम है मेरा, असगर तो मुझे प्यार में सुगरा ने कहा है, असगर तो मुझे प्यार में कौन सी लोरी सुनाई है, सोया है जंग जीत के बच्चा रबाब का।